और चलिए बात करेंगे ग्वालियर की, जहां जिला और सत्र न्यायालय में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक मध्य प्रदेश सरकार में दो मंत्रियों के खिलाफ दायर निजी परिवाद मामले में थाना प्रभारी को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई नियत तय की गई है। देखिए एक रिपोर्ट। न्यायालय में कांग्रेस की लीगल सेल से जुड़े अधिवक्ता नितिन शर्मा ने निजी परिवाद दायर किया था। परिवाद में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्री तुलसीराम सिलावट और महेंद्र सिंह सिसोदिया ने मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का जन्म पाकिस्तान में होना चाहिए के बयान को आधार बनाया गया है। परिवादी का कहना है कि इस खबर से उनकी भावनाएं क्षुब्ध हुई थी और इसी के बाद उन्होंने सबसे पहले इंदरगंज थाना पुलिस को एक शिकायती आवेदन दिया था। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन एवं राज्यसभा सदस्य वर्तमान में श्री दिग्विजय सिंह जी को देशद्रोही बोला था। आज जो है न्यायालय ने पुलिस थाना इंदरगंज को स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के लिए 1 वीक का समय दिया है। आगामी तिथि 15 मई 2023 न्यायालय ने लगाई है और इसके अलावा अगर पुलिस स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करती है तो TI साहब को तलब किया जाएगा एवं उनसे पूछा जाएगा कि इसके अंदर आपने स्टेटस रिपोर्ट क्यों नहीं तलब करी है एवं आगामी कार्रवाई क्यों नहीं करी है। शिकायती आवेदन पर पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने न्यायालय की शरण ली थी और ग्वालियर की जिला एवं सत्र न्यायालय में संबंधित पक्षों के विरुद्ध मानहानि का केस दर्ज करने की मांग करते हुए परिवाद दायर किया था। कोर्ट ने परिवादी की मौखिक बहस सुनने के बाद थाना इंदरगंज को आगामी एक सप्ताह में स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। INH न्यूज के लिए ग्वालियर से जावेद खान की रिपोर्ट।